जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल अवश्य उजागर करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मजा ही अलग है, ना किसी की जरूरत ना किसी से उम्मीद। सफाई वहां देनी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से बुरा, इको अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, एक उसी तरह से जब हम ध्यान और भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसके लिए अतीत में किए गए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तो वही कहें जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं? खाली तो बस दो ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिरगिरा ने सेना तो मोहब्बत मिलती है ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। वो आदमी उन बंदरों का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है, उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह है।
जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही पीछा हमारा करेंगे, और जैसे ही हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे वह भाग जाएंगे। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला स्वभाव, अगर आपके स्वभाव में अच्छा ही विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है, इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कैसे और क्या बोलना है ये उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता, जिससे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना है। समझ लो, उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलब ये दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ है, और अगर तुम्हारा गड़बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ जानकर खुशी हुई, मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो जरूर कुछ लोग आकर ये कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा, मगर जब वो कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वो सिर्फ मजा ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं उठाएगा, दिखाओ तुम जड़ा उड़कर, फिर देखो सब आएंगे गिरा दे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह मायने रखता है। इंसान का भगवान पे से शक नहीं, हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार हो जाता है, जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है, बनके रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है, जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में कहीं खो जाते हैं, जो अकेले चलते हैं इतिहास वही बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास दो दो देती थी। एक दिन एक आदमी उस संत के घर आया। दोनों तोती अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे उस आदमी ने उस संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसको देखकर बहुत खुशी हुई है। यह सुनकर उस आदमी को बहुत ही अच्छा लगा, अरे वाह, ये तो कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियां बकी, कहा इसको मारो, पीटो, लूटो। यह सुनकर उस आदमी ने उस संत से कहा, बसंत जी, ये क्या मामला है, एक तोता गालियां बक रहा है और दूसरा स्वागत ऐसे मीठे बोल रहा है। तो संत ने कहा, मैंने इन दो तो से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। उसने कहा, जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तब मैंने एक तोता डाकू के घर भेज दिया था और दूसरा तोता एक साधु के घर भेज दिया था। जो तोता साधु के घर पहला है वो कहता है, राम राम, आपका स्वागत है, और जो तोता डाकू के घर पे पला है वो कहता है, मारो, काटो, पीटो और लूटो। तोता तो एक ही है, परंतु दोनों अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवन में किसके साथ उठते बैठते हैं, ये हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर वादा से बड़ा है।
बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान दुख केवल नियत देखते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।